Hello dear students, happy Diwali, hope you all are safe and sound in your home. Today we will learn maths from our cherry book and today we will do revision on page number 78 comparing numbers. Okay, aaj hum revision karenge equal ka, less than and more than. Okay, so equal means both side objects are equal. ओके बोथ साइड के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम नंबर्स में होते हैं दैट इज इक्वल लाइक 1 2 3 4 4 1 2 3 4. ओके यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल, बोथ कलेक्शन हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इक्वल इज रिटन एज लाइक दिस, राइट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो ईच कलेक्शन. आपको यहाँ पर इन कलेक्शन के बीच बिलो इट मीन्स नीचे नंबर लिखना है कि कितना नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर तो आप 5 लिखेंगे. उसके बाद आप इसको काउंट करेंगे, यहाँ नंबर लिखेंगे. उसके बाद आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है. इफ़ दे बोथ आर इक्वल तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, If they both are not equal तो आप वहाँ पर equal लगा कर ऐसे not equal का sign लगा देंगे. Okay? Similarly आपको इन सभी को count करना है, यहाँ पर number लिखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि they both objects are equal or not equal. Now, less than means Jack has 2 balloons and Jill has 5 balloons. It means less than का मतलब होता है कि किसी के किसके पास कम चीज़ें हैं, किस कौन सा नंबर कम है. लाइक दिस इज जैक एंड दिस इज जिल, तो जैक हैज 2 balloons एंड जिल हैज 5 balloons. तो हु हैज लेस balloons? जैक हैज लेस balloon. ओके, तो लेस देन का साइन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस. ये लेस देन का साइन होता है. सिमिलरली यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पर हमें डॉट दी हुई थी, जो हमारा लेस देन ऑब्जेक्ट है हमें उसकी तरफ एक डॉट लगानी है और जो हमारा मोर देन जो हमारा ज़्यादा है ग्रेटर देन है उसकी तरफ हमें 2 डॉट्स लगानी है. ओके, सो वी शैल नाउ राइट नंबर एंड जॉइन द डॉट्स. अब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, नंबर क्या था 1 2, तो हमने यहाँ नंबर 2 लिखा और यहाँ कौन सा नंबर था 5 बलून्स थे तो हमने यहाँ 5 लिखा. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि विच वन इज लेस. सो नंबर 2 इज लेस. ओके, तो हम इसको यहाँ 1 डॉट लगाएंगे और 5 की तरफ 2 डॉट्स लगाएंगे और देन उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये कौन सा साइन बन जाएगा, दिस बिकम अ लेस देन साइन. और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 इज लेस देन 5. ओके, इसका मीन्स होता है लेस देन. नाउ फॉर ईच ऑफ दिस वन डॉट इज गिवन smaller number and 2 dots of the bigger number. smaller number पे 1 dot होगी और bigger number पे 2 dots होंगी. then join them as shown as below. like 3 7, 3 और 7 को हमने ऐसे join कर दिया. like 2 and 4, तो 2 is a smaller number, यहाँ पर आप 1 dot लगाएंगे. 4 is a bigger number, तो आप यहाँ पे 2 dots लगाएंगे और then इसको join कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 2 इज लेस देन 4. सिमिलरली 1 एंड 6, तो यहाँ पर भी आप 1 डॉट लगाएंगे, 6 पे 2 डॉट्स लगाएंगे एंड देन इसको ज्वाइन कर देंगे डॉट्स को और फिर क्या बोलेंगे, 1 इज लेस देन 6. सो दिस इज लेस देन. नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन. ग्रेटर देन क्या है, विच साइड हैज मोर एंड वन साइड हैज लेस. लाइक प्रीवियस हमने देखा था, जो भी ज़्यादा नंबर होगा वहाँ पर हम 2 डॉट्स लगाएंगे और जहाँ कम नंबर होगा वहाँ हम 1 डॉट लगाएंगे और देन उसको ज्वाइन कर देंगे. तो ये कौन सा साइन बन जाएगा, इट्स अ ग्रेटर देन साइन. सो 4 इज ग्रेटर देन 3. ओके, लाइक 4 ये हमने नंबर लिखा, यहाँ 3 नंबर हमने लिखा, उसके बाद 4 बड़ा है तो हमने 2 डॉट्स लगाई, 3 छोटा है हमने छोटी डॉट लग 1 डॉट लगाई, फिर उसको ज्वाइन कर लिया, तो नंबर क्या बना हमारा, 4 इज ग्रेटर देन 3. अब इसको क्या बोलेंगे हम, 4 इज ग्रेटर देन 3, दिस साइन मीन्स इज ग्रेटर देन. नाउ
यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, जो बड़ा नंबर है वहाँ पे आपको टू डॉट लगानी है और जो स्मॉलर नंबर है वहाँ पे आपको वन डॉट लगानी है। डॉट्स को ज्वाइन करना है और उसको फिर कैसे रीड करना है, सेवन इज ग्रेटर देन फोर, सिमिलरली एट इज ग्रेटर देन फाइव, नाइन इज ग्रेटर देन थ्री। नाउ दिस एक्टिविटी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसे ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेटर देन नंबर और यहाँ पर आपको लेस देन नंबर बताने हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।